एक घंटे का ही है ना। हैं? मैंने पूछना था कि मेरा बेटा 2.5 साल का है। अच्छा। तो वो काफी हाइपर है, हाइपर बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ तक कि आप उसको फिजी ड्रिंक तो नहीं पिलाती हैं, चॉकलेट तो नहीं ज्यादा खिलाती हैं? चॉकलेट खाता है, दादा वो दादी में से तो बहुत खाता है, घर तो बहुत इत्याद करते हैं, चॉकलेट खाता है उसके बाद हाइपर हो जाता है? नहीं वैसे भी है वो, उसके बाद वो कोका कोला तो नहीं पीता? नहीं। अच्छा। अगर 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 मसलन हमारे घर तो नहीं, अगर घर पी भी लेता तो उसमें ना हम इस तरह करते हैं कि तीन, अगर एक हिस्सा पानी कोला है तो दो हिस्सा पानी डाल। क्या हो गया, क्या करता है हाइपर बेचारा, एक्टिव होगा? आजकल तो मुश्किल ये पड़ गई है कि बच्चा ज़रा सा एक्टिव हो जाए ना, तेज हो जाए, तो माँ बाप कहते हैं हाइपर हो गया। क्या हो गया फिर हो गया? अच्छा अच्छा, इंटेलिजेंट होता है, क्या हो जाएगा फिर, बड़ा होकर इंटेलिजेंट निकलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। वैसे वक्त भी है, तो असल में बात ये कि मुझे खुद से समझ नहीं आती मैं किस तरह डील करूँ ना, यानी कोई क्या कुछ कहता है, कोई कुछ कहता, क्या करता क्या वो मुझे बताएं ना। मसलन फिलहाल क्या शुरू से, यानी कि कहना तो बिल्कुल ही ना मानता। अच्छी बड़ी अच्छी बात है, आप कौन सा मानते हैं? और यानी कि इजलासों पे भी मैं कम ये लेके जाती हूँ। मैंने माँ बाप से पूछा मैं कहना माना करती थी कि नहीं? नहीं, मेरे असल में वालदेन फौत हो गए काफ़ी अर्सा पहले। चलो फिर, किसी यहाँ कहीं से किसी का करेक्टर आ गया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कहना नहीं मानता, बच्चों को उनकी नफ्सियात के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। एक दफ़ा आप अगर उसको कह दें नहीं एक काम करना, और वो रोता है, चीखता है, धाड़ता है, चीज़ें इधर उधर फेंकता है, उसके बाद आप बात मान लेती हैं, तो वो कह देगा, हर बात मनवाने का तरीका यही है कि चीखो, धाड़ो और शोर मचाओ और अपनी बात मनवा लो। दो दफ़ा आप इनकार करेंगी, नहीं मानेगी तो ठीक हो जाएगा। अब उसकी ज़िद अगर पूरी करेंगी तो और ज़िद्दी होता जाएगा, जिसको आप हाइपर कन्वर्ट बना देती हैं। यही करता है ना? नहीं, मैं यानी कि मैं तो इस तरह करती हूँ, ज़िद कर भी रहा है तो मैं उसको चीज़ नहीं देती। नहीं देती, नहीं देती। ये भी ना कहें कुछ नहीं देती है, अगर कुछ जायज़ चीज़ें दिया भी करें। नहीं, भूखा तो नहीं रहता। ये बात नहीं है। नहीं नहीं, अगर कोई चीज़ वो मांग रहा है और उसमें कोई नुकसान किसी का नहीं है, ना उसका ना आपका, तो दे देने की हर्ज कोई नहीं होती। हर बच्चे को ज़िद्दी माँ बाप बनाते हैं इनकार करके भी, या इनकार करके ज़िद्दी बनाते हैं, या हर बात ज़िद से मनवाने के बाद ज़िद्दी बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर नफ्सियात बच्चों की पहले पढ़ें, हैं, और उसके मुताबिक ट्रीट किया करें बच्चों को।